एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई जैसे कि आपको पता है, आज है माशाल्लाह हमारा पहला रोज़ा। पहली सहरी मुबारक और पहला रोज़ा भी मुबारक। तो ज़्यादा टाइम तो बचे है नहीं, फटाफट से चलते हैं सहरी वगैरह करते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये रही फ्रूट चाट, फटाफट से इसको भी खा लेते हैं क्योंकि सहरी का वक्त बस होने ही लगा है। कितना ही प्यारा माहौल हो रहा है, जब तक ये सही ना करो ना तब तक ये लगता नहीं है कि रोज़ा रखा है। फिर रमज़ान आ गए हैं, बहुत प्यारी वाइब आ रही है, अच्छी वाली सहरी वाली वाइब आ रही है बिल्कुल, और बहुत बढ़िया भी लग रहा है। तो भाई सही का टाइम हो चुका है और एंड टाइम, मैंने 2-3 लीटर पानी पी लिया है। अब बस अजान होने लगी, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कुरान शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। तो भाई अजान हो गई थी, नमाज़ वगैरह भी मैंने पढ़ ली है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ लिया। अभी बस मैं लगी हूँ सोने क्योंकि बहुत ज़्यादा आँखों में नींद आ रही है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई जैसे कि आपको पता है, आज है माशाल्लाह हमारा पहला रोज़, आप सभी को रमज़ान मुबारक। तो सबसे पहले मैंने बनानी है अभी फ्रूट चाट, क्योंकि उसको ठंडा होने के लिए भी रखना है फ्रिज में। सबसे पहले उनको कट कर लेते हैं। और आज मैंने पिज़्ज़ा भी बनाना है, जैसे आपको पता है मैंने बताया था कि मैं बनाने वाली हूँ आज की इफ्तार में पिज़्ज़ा। उसके लिए वेजिटेबल्स वगैरह कट करनी है और बहुत कुछ करना है, बहुत सारा काम पड़ा है। सर्स को तो फ्रूट्स वगैरह मैं यहाँ पे ले आई हूँ, उनको कट करते हैं। डाल रही हूँ थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा चाट मसाला डाल देते हैं। तो मैंने सारे मक्खन के पैकेट्स निकाली हैं जो मैं कल स्पेशली आज इफ्तार के लिए लेके आई थी। चलो इनको निकालते हैं, इनको फ्राई करते हैं और करते हैं सब। ये है पोटैटो वाइट फ्राई, ये वाले बनाते हैं आज। ये है चीज़ नगेट और ये है स्माइली, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगती है, तो इन दोनों का जो बनाते हैं। सैंडविचेस को सैंडविच मेकर में रख देती हूँ, उसके बाद उनको फ्राई भी करना है और टाइम भी बहुत कम बचा है। तो अजान में बहुत कम टाइम बचा और सारी इफ्तारी हमारी बन गई है, बस दुआ करते हैं और अजान होती है फिर रोज़ा खोलते हैं अपना। और मैंने कहा था कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी बट मैं वो नहीं बना पाई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था। बस इन्हीं सब चीज़ों में तो टाइम लगा कि मैं पिज़्ज़ा नहीं बना पाई। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया है। ये है सैंडविच और ये गुजिया है बाहर की है ये, और ये है जो मैं लेके आई थी मॉल से चीज़ी नगेट्स, स्माइलीज। ये तो सबसे फेवरेट, सबकी फेवरेट कचरी, फ्रूट चाट, दही की फुल्की और पकौड़ी और ये दही वाली फ्रूट सैलड, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम था। बस इन्हीं सब चीजों में तो टाइम लगा कि मैं पिज्जा नहीं बना पाई। तो मैंने इफ्तार कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज वगैरह भी पढ़ ली है। अभी मेरा बहुत दिल कर रहा है चाय पीने का। मुझे ऐसा लगता है ना, इफ्तार के बाद चाय पीना बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा भी फील होता है उससे। मोस्ट लोग नहीं पीते हैं बट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अभी पीऊंगी चाय। सो लेट्स गो। तो मेरी चाय आ गई है, फटाफट से चाय पी लेते हैं और थोड़ी देर में शक अजान हो जाएगी, तरावी पढ़ेंगे और आज का रोज़ा हमारा मुकम्मल हो जाएगा माशाल्लाह। कल होगा दूसरा रोज़ा। तो ये था मेरा आज रोज़े का व्लॉग। आज तो मैं पिज़्ज़ा नहीं बना पाई थी लेकिन कल मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बनाऊंगी, शायद से पिज़्ज़ा ही बनाऊँ, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।